इतनी सुबह सुबह? मेरे साथ का अर्जेंट लेटर था। ले लो। और हाल चाल तो देखते रहे। पहले के साहब लोग गोभी खाते थे और दूसरों को भी खाने देते थे। ये साला तो चोर है, सब कुछ अकेले ही चाप जाता है। खैर कुछ अपनी सुनाओ। सब जगह एक ही हाल है। तो ये लेटर खूब अर्जेंट है, मेरे साहब को दे देना। अच्छा गोबर गोबर नहीं गोवर्धन, जनाब को गोवर्धन चाहिए। साला उल्लू का औलाद हमरा इंसल्ट करता है। अच्छा तो मैं भी जाके जरा जल्दी तैयार होकर आता हूँ। सब लोग जाने वाले जो है सरकार ये सरकार। अरे ये चक्का बन छोड़ो, ससुरा कोई आया नहीं आया? हमारी मूर्त थे जो इतनी पैरवी लगा लगा के सबकी यहाँ पे पोस्टिंग करवाई। सारा काम के वक्त कोई नजर नहीं आता है। चीफ मैजिस्ट्रेट साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि वो सिविल सर्जन और टीचर जी के साथ आ गए। कब तो हो गया? सिविल सर्जन का तो दवाई बेचने से फुर्सत मिलेगा तब ना। अरे ऐसा तुम एक काम करो, चार कप बढ़िया सी चाय बनाओ और वो दूध वाली नहीं लाल पत्ती वाली, समझ गए? चार कप चाय? चार कप चाय आप अकेले पियेंगे? अरे ज्यादा चाय चाय मत करो, चाय वाला मैटर पहले ही बहुत बोल रहा है, समझे? हाँ जितना कहा जाए उतना किया करो। जी सरकार। सरकार अच्छा जब सब लोग आ जाए तो मेरे को कॉल करना। जी जब सब लोग आ जाए तो मुझे खबर कर देना, जैसे हम इस घर के नौकर नहीं जेम्स बॉन्ड है। सुबह सुबह परेशान कर दिया। हाँ महाराज जल्दी आइए ना। बेटे की बारात में नहीं बुला है, इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है, समझे? लटकता ना नहीं छोड़िए और हमारा बात ध्यान से सुनिए। आज सुबह सुबह बड़ा ही मनहूस खबर मिला। क्या हुआ? नेताजी गए? अच्छा चले गए? वो क्या करते हैं? हमारे यहाँ तो केबल टीवी अब सातों दिन टीवी पर बैठ के तानपुरा सुनिए। ये तानपुरा हम पर ही बजने वाला है, समझे? जी हाँ, बड़े ही कॉन्फिडेंशियल सोर्स से पता चला है कि शहर से हाईफाई अफसर हमारे इधर का जांच पड़ताल करने आ रहा है। ये सब कैसे हुआ? हमको तो लगता है जरूर विदेशी ताकतों का बैठक बनी है। कौन सा विदेशी ताकत? हर नेता अफसर को पता है कौन सी विदेशी ताकत, एकदम से जनता छापेगा बात। समझ गए समझ गए। हाईफाई का मतलब हुआ टेक्निकल है, नहीं मुझे। अरे वो अफसर आएगा भेस बदल कर। भेस बदल कर क्या हो रहा है भाई? जानते हैं आज का शहर क्या हुआ? भारत के एक सियार सियारी को सिनेमा करते हुए एकदम बम्बई आ जाए, तभी अफसर का आवाज हो गया भाई। तभी सुबह से हमारा भी बायां अंग काफी फड़फड़ा रहा है। और ये देखिए यहाँ आते हैं मगर हमारा पैर भी बहुत गंदगी हो गया था जी। एक मिनट में सब कुछ घटने लगा आप लोगों के साथ। खैर छोड़िए, हम वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिससे हमको मनहूस खबर मिला। हमारे दोस्त ने भेजा है, सुनिए क्या लिखता है। यहाँ लिखता है प्यारे बंडलू, इसका मतलब है गजेंद्र। मुख्य समाचार ये है कि केंद्र ने अज्ञात कारणों से तुम्हारे राज्य की जांच पड़ताल हेतु उच्च अधिकारियों से लैस एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया है। सूचना है कि तुम्हारे क्षेत्र का विशेष रूप से निरीक्षण होगा,
एकदम भड़बक के जैसा हिंदी लिखता है, साला मुंह पे टेढ़ा हो जाएगा हिंदी सर। अच्छा आगे सुनिए क्या लिखता है, ये निरीक्षक बहुत ही चालाक है और भेष बदलने में माहिर, भयंकर भेदिया है समझो, ये किसी भी रूप में तुम्हारे शहर पहुंच सकता है, भिखारी साधु यात्री मरीज कुछ भी, विश्वास नहीं करोगे पिछली जगह तो उसने लौंडिया का उद्धार कर रखा था और वहां का मेयर बेचारा उस पर अटैम्प करके ऐसा फंसा, ऐसा फंसा कि पूछो मत, सावधान रहना नहीं तो धोखा खा जाओगे। परसों फिरौती को सुनने बनारस गया था, मुन्नी भाई से मुलाकात हुई, तुमको बड़ा याद करती है, बाकी सब कॉन्फिडेंस जब बात है चोरी चाहिए और वो छोकरी के रूप में मानो वो भीम हो और हम सब कीचक, ये तो सरासर कुत्ते हैं। इस छोटे शहर में जांच कराने का मतलब, अरे जांच करवानी है तो दिल्ली करवाइए, बंबई कराइए, हमने तो लखनऊ में करवाई, क्या कमजोरी होती है? नहीं तो क्या इधर देखो, अनुभव बता रहा हमने सुना लिया ना सर, हम लोगों की छोटी छोटी बातों को छाले क्या, ये तो जस्टिस का क्या जबरदस्ती एक बैग पर तस्करी के पीछे पड़े हुए और इस तरह हमें करने का क्या उचित है? तो देखिए अब ये तो आप सब लोग मिलकर सोचिए, अरे जरा किडनी का इस्तेमाल कीजिए। हमें लगता है कि इस बारी के पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है, तभी तो ये जो दूसरे चोर का इंफेक्शन था, हमारा मतलब कि तभी तो ये जो दूसरा आपको भी छोटी ना नेताजी भी गद्दे दिए होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलरिटी से बहुत चढ़े चलते हैं, हमसे बहुत चिड़े हुए। अब पिछले दफा का याद है जब हम उनको रुपयों से तोड़वाए, अरे हम पर ही चार्ज लगा दिए कि गड्ढी में 5 किलो कम है। अब भैया तुम्हारा बजट जाते जाते बढ़ गया तो इसमें हमारा क्या दोष है? और हम तो कह रहे हैं यहाँ का जनता भी बहुत बड़ी क्या है, मैं कौन कंप्लेंट किया होगा? तो लगता है जो खतरा है वो आप लोगों का ही ज्यादा है, हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं, अब हमको क्या डर होगा भाई? अब इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अपना जांच का विभाग भेज दीजिए और अपना कागज पत्र संभालिए, ठीक है? अरे क्या खोज रहा है? हम बाइकिंग का सेंटर ढूंढ रहे हैं सर। हां दादा यहां पड़ा है, ले जाओ। मिल गया है। कभी विषम युग का नाम सुने? हां बहुत सुने। ऐसे ही सेंटर युग होता है, कभी हुआ है आपके साथ? कभी कभी हो जाता है। दूसरी जगह प्रेमाबाद में लगाइएगा, पहला अपना सुन लीजिए। सबसे कंडम हालत आप ही का है, पड़ताली अफसर देख लिए ना तो सीधी नसबंदी कर देगा। नर्स वार्ड बॉय मरीज सबको एक लाइन से खड़ा कीजिए, नहलवा धुलवाकर साफ सुथरा कपड़ा पहनाइए और हॉस्पिटल प्रांगण का अच्छी तरह से सफाई करवाइए, और जितना भी सुअर कुत्ता बिल्ली सब बाढ़ में घूमता रहता है ना उनको पकड़ के शहर से बाहर छुड़वाइए। मेरे तो सुझाव ये है क्यों ना हम इनके चिकित्सालय को पशु चिकित्सालय बता के निरीक्षण करवा दे। हमारी तरफ से चिंता मत रहिए, चिंता मत रहिए। देखिए काम कीजिए, आपसे लेकर इंस्पेक्शन तक वो दवाई बेचना बंद, पानी वाला इंजेक्शन और चौक वाला टैबलेट सब बाहर निकलवा दीजिए और अपना हॉस्पिटल का बही खाता हिसाब किताब अच्छे से करवाइए। मेरा तो तुम्हें निवेदन है कि इन्हें डॉक्टरी का झंझट छुड़वा कर ये बही खाता बनने पर लगवा देते, एक तो इनकी हस्तलिपि अधिकारी तो क्या अधिकारी का बाप भी नहीं समझ पाएगा और दूसरा ये रोज रोज मरीजों के पेट में क्योंकि कैंची और छुरी छूटने वाली घटनाएं बंद हो जाएगी। आइडिया सुधर नहीं यार, ये एक तो बड़ा हो गया यार, आप तो लिमिट ही क्रॉस करके जा रहे हैं। अरे छोटा मोटा मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। अरे बड़बक जैसा बात मत कीजिए, बैठिए। अरे बैठिए हॉस्पिटल पर एक्सपर्ट कमेंट देने की बजाय है आप अपनी कचहरी की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा संगठा बाबू। अरे एक कमरे में आपके साले का बेटा नंबर या लाठी का टिकट बेचता और दूसरे कमरे में आपका चेला भैंस का तबेला चलाता। अरे बोलिए भला,
पशु पालन घोटाला में फंसिएगा हमें भी फंसवाइएगा। अरे अदालत का भी कोई फायदा होता है? अरे वो सब तो ठीक है पर वो बोतल तो हटवा दीजिए अपने कमरे से। अरे काम कीजिए कचहरी को दो एक दिन सार्वजनिक मुख्यालय की तरह इस्तेमाल कीजिए ताकि कचहरी कचहरी का जैसे गम के ना कि दाल पे मट्टी का जैसा गवर्नमेंट जरा ऊपर की चीज होती है संजना बाबू। उसके लिए ये नाच घर हो जुआ घर हो शराब खाना हो सब जाए जाए। ये जो हम कहते हैं कि वो आपके ससुराल का मामला है। हाँ क्या बताएं भाई भाई को कौन समझाएगा अल्लाह आप सब कुछ मुझे दिखा देंगे कि स्टाम्प पेपर बिक रहा है। लीजिए स्टाम्प पेपर बिक रहा है बहुत बढ़िया। हाँ अपना जरा गंडम की संभालिए सुनने में आया कि बहुत गहरा मोटा मार्च लगे यहाँ समझने को। ये कोई कानून का सिद्धांत तो है नहीं जो आपकी समझ से परे। सीधी सी बात है अपने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाइए जरा। आपके कहने का मतलब कि मैं रिश्वत लेता हूँ? बिल्कुल सही पकड़े। एक तो बोलते किसी ने पहुंचा क्या थी इसमें कैसा भ्रष्टाचार हुआ? ऐसे भी टिकट विकट लेना तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कायदा है। अंग्रेजों का करछुल इसे भी भ्रष्टाचार कहा जाएगा समझे? देखिए महापौर महोदय हमारे हिसाब से भ्रष्टाचार क्यों है जब दो कोड़ी के लोग जनप्रतिनिधि बनकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और ऐसा आलिशान बंगला बहने लगते हैं। ये सब समाजवादी भाषण झाड़ कर आप अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करवाइएगा संगठन बाबू। देखिए हर बात तो मैं आपकी चर्चा नहीं कर सकता वही हमारे कैरेक्टर पे मिठाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मजिस्ट्रेट साहब आप ये छोटी मोटी बातों से आवेश में ना आए आप तो बस अपनी कार्यपद्धति पर ध्यान दें। दूसरों का ज्ञान बांटने से पहले अपना होश है आपको? हमारा काम तो एकदम दुरुस्त है श्रीमान। घंटा दुरुस्त है एक बार शिक्षक नजर आता है स्कूल में तो इसमें हमारा क्या दोष है? कुछ तो आपके चुनाव के दौरान झड़प में घायल हो गए कुछ फरार है और जो कुछ विरोधी पार्टी से संबंध रखते हैं उन्हें आपने ही जेल भिजवा रखा है श्रीमान। ना जला बकबक मत कीजिए उपाय सोचते हैं बैठिए। तब तक एक काम कीजिए कि स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट कीजिए कि स्कूल में बम पिस्तौल वाला बंद करें और बार बार दाढ़ी वाड़ी बैठाकर जरा सभ्य दिखने का प्रयास करें। और हाँ उसका आपके स्कूल की छत का मरम्मत कराइए कहीं ऐसा ना हो कि अफसर जी के सामने ही रह जाए। और वो शौचालय से लेकर प्रिंसिपल वाले कमरे तक जो गंदा गंदा बात और गंदा गंदा चित्र बना है ना उस पर तुरंत सफेदी करवाइए। तो ये हाल है आपके स्कूल का। और अगर सफेदी के बाद ना छिप सके तो उसके अलगेबरे का चिंता है और वो जो मिट्टी का फिगर वो सब छिपा दीजिए। अरे हम कह रहे हो तो अफसर है ना उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप चुप रहिए महोदय जिस दिन निरीक्षण हो उस दिन कह दीजिएगा कि आज विद्यालय में अवकाश है यहाँ का तो यही कायदा है। और ये भी स्कूल इंस्पेक्टर साहब मिस जूली के साथ शिमला में कोई रिसर्च कर रहे हैं कैसा रहेगा? महोदय जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। ज्यादा राजकुमार का डायलॉग मत मारिए बैठिए। लेकिन फेस बदल कर अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं अचानक से दरवाजा खड़के और जांच अधिकारी अंदर आकर बोले कि अच्छा ये सब पानी हो रहा है मेरे खिलाफ। अरे जरा सोचिए सोचिए जरा ये तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपस का लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और अपना अपना विभाग संभालिए। गजब के डरपोक आप लोग अस्सी जरा सवाल। अरे देखिए ना देख रहे तो इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? चाइना
निश्चित रूप से इसमें चाइना का हाथ। क्या हो सकता है जनता ने ही आपके खिलाफ इस तहरीकों की हुआ थी? देखिए भाई, हम किसी से नहीं डरते। सामाजिक न्याय का तरीका हमारा जरा लटपट जरूर है, लेकिन हमारी निष्ठा का ईश्वर साक्षी है। क्या है कि इतने बड़े अफसर के नाम से घबराहट होना जरा नेचुरल सी बात है। घबराहट के अक्सर सच्ची बातें मुझे स्लिप हो जाती हैं। अपनी जुबान स्लिप मत होने दीजिएगा। पुष्पा साहब, हमारे हक में ये ठीक रहेगा कि शहर से बाहर जाने वाले हर लेटर को आप खोल कर दें, और अगर किसी भी लेटर में आपको सब मामले का जिक्र दिखे तो उसे तुरंत अग्नि देव के हवाले करें। तो किसी चिट्ठी में ये सब मामला का जिक्र पड़े तो नहीं? ऐसा तो कुछ ध्यान में नहीं आता, लेकिन हम आपकी पार्टी के जो नेता है मुजिंदर लाल, उनके नाम की कितनी जरूरत है? बनारस को किसी हिंदी पार्टी के नाम से ही नमकीन चिट्ठी है बढ़िएगा सर। मुन्नी भाई, मुजिंदर लाल, मुन्नी भाई साला मुजिंद्रा हराम ज्यादा, एक बार इंस्पेक्शन खत्म हो जाए तुम दोनों को देख लेंगे हम। अरे तू बचिए तो तैयार चीज खाएगा। श्री मानुष को इसीलिए कर दिया आपने। आप देखिए जरा पॉलिटिक्स पर खेलिएगा, हम किससे बोल देते हैं अच्छा नहीं होगा। शिव 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 शिव, आपके इस ऊंची आचरण से क्या धारणा बनेगी जांच अधिकारी की? मान लीजिए वो शत्रु यहाँ अगर आ गए तो? अरे अगर मगर नहीं, आ गया समझिए। आप लोग बैठकर यूं ही बकबक करते रहिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब पर्दा हिला और जांच अधिकारी अंदर। अरे अरे घबरा गए रे पर, नमस्ते जरा बोलिए। अरे बोलिए ना। नहीं 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 नहीं, इस बार डॉक्टर साहब का नंबर है। डॉक्टर साहब, अरे बोलिए ना, जाइए बोलिए। अरे जाइए बोलिए। हालत में तरफ खाकर हम वो लंच के लिए होटल फाइव स्टार दिए हुए थे,
हमने खाना शुरू ही किया था एक लंबा टोड़ा नौजवान जींस की पतलून और काला चश्मा उसने ना उला भाई आप बताता तो है आगे लंबा टोड़ा नौजवान हमें जोर से देख रहा था जैसे कोई गहरी बात डाल रहा हो। मैंने पूरा लोटा देखा भाई लोटा लगता है यही है। अब थोड़े थोड़े मिनट के पास गए उससे पूछा तो मैनेजर क्या बोला बोला कि दिल्ली से आ रहा है दो हफ्ते से रह रहा है सबकी मिजाज और बात बात में बिगड़ा न रहने के पैसे देता है न खाने के सब कुछ उधार खा के जा रहा है। ये सुनकर मेरा मैं तो उठल पड़ा मैंने लोटा देखा भाई लोटा मिल गया यही है बेस पतलू। अरे कौन मिल गया किस बेस पतलू की बात कर रहे हैं आप कमाल कमाल करते हो दिल्ली से आया हाकिम जाट अधिकारी वो नहीं हो सकता अरे वो कैसे हो गया अरे हुजूर भैया हुजूर भैया जरा बात की ना उसको पकड़िए एक तो बहुत बड़ी ऊपर से सीना सोनी हां ये प्रकृति से बड़े अपराध की होती है जनाब और उसने किस प्रेमी बिगाड़ के हमको देखा ओहो बोला न पूछे भूखे शेर की नजर थी सच मानने तो है हमारा तो पजामा ही गला तक गीला हो गया था झूठ एकदम झूठ मियां साहब ये झूठ हाँक रहे हैं वो पजामा इनका भी हमारा था अच्छा भाई तुम्हारा बस अब बाबू डाल दूं अभी साहब तो सारी प्रॉब्लम हो गया कमरा नंबर पता किए मेरे पास 10 नंबर नीचे से दाएं करते भाई वही कमरा मियां साहब जिसमें पिछले साल तुम सब खुलाई थी सबसे ठहरा हुआ दो हफ्ता तो रहा बड़ी लापरवाही से काम हुआ संभव है इसी काल में ट्रेजरी से आपने 50,000 रुपए निकलवाकर स्टेट बैंक की प्रतिभूतियां आई मीन मेरे मतलब शेयर खरीदे थे श्रीमान कोई कुछ ऐसे नहीं खरीदे थे फैमिली का दबाव था आपकी खुदा दबाव रहा और आप छुट्टो मत ज्यादा बदल बदल मत कीजिए सिंधी वो भाई संभव है विलायत के टी शर्ट देखे सुनो को इसी वक्त लेकर जाना था कौन सा टी शर्ट अरे यही जिसमें आप लोग चावा पी रहे हैं क्या कर रहे हैं आप फिंगरप्रिंट मिटा रहे हैं मुझे साले को बदवा कर दो सालों में धरवा देते जरूर हमारी मानिए तो हम सबको मिलकर वो दस्तर वगैरह देकर इसे पास करना चाहिए मिलने के लिए नहीं हम अकेले ही जाते हैं आप लोग महामूर्ख के जैसा को उल्टा पुल्टा बात कर दीजिएगा सारा मेटर ही बिगड़ जाएगा पता किए कौन जाते हैं जिसका तो कुमार है मार सिखाने में मार डाला बढ़िया था कोई तो लगाते हैं अरे नहीं ठीक है आप लोग एक काम कीजिए यहाँ पर सब कुछ फिटफाट कर रही है हम जरा अफसर जी से मिलने का जुगाड़ करते हैं ठीक है एक आदमी चले हमारे साथ गोबर सिंह जी सरकार तुम एक कपलेट उठाओ और इसको गोबर में छुपा जी और ट्रेलर को बोलो गाड़ी मिला गाड़ी तो मैं सब बेटी जी की सब मैके निकल गई है अरे कबार फोड़ ले अपना साला सब बढ़ा गया है अच्छा दौड़ कर जाओ और एक रिक्शा पकड़ दे नमस्कार मेहर साहब नमस्कार सवेरा हो गया क्या आपके रात पर एक केस निपटा रहे थे केस निपटा रहे थे कुछ खबर है जांच अधिकारी आ गए जी पहुंच गए और इनको खबर भी नहीं है अपने खुफिया विभाग को लाइन से खड़ा कीजिए और उनको मोटी मोटी गाली दीजिए काम धंधा करता नहीं है खाली माल खाते खाते मटा रहा है सब प्रॉब्लम हो गया तनिक जल्दी से बढ़िया बढ़िया सिपाही छांटकर शहर भर में लगवा दीजिए बड़ा ध्यान है कौन ना हो और अगर अपने डिपार्टमेंट से ना मिले ना तो होमगार्ड से ले लीजिए जी हजू जय हाँ सुनिए 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 50,000 मिल रहा है आज ही व्यापारी लोग से सुन लीजिए ये तो हमारे एक घंटे का काम है जाइए जाइए हाँ आपके पैंट का चेन खुला हुआ है मान लीजिए जाइए यहाँ थोड़ा कलेजे में धड़धड़ हो रहा है यहाँ भी हुक्म लगा हुआ है भाई अरे यहाँ बैठ कर नटंकी करते रहिएगा कि जाइएगा भी अच्छा चलिए रोड पसंद जी हम क्या करेंगे अगर हमें पूछते भी ज्यादा तो हम रात हो रहे थे एक रिक्शा में गया हम हटेगा दिमाग का पेश कसाइए पागल कहीं का चलिए डॉक्टर साहब जी अभी कह रहे हैं शादी
ये तो हमारा कर्तव्य है हुजूर, और फिर आप जैसा बड़ा अफसर। बड़ा अफसर कौन सा बड़ा अफसर? हमें सब पता चल गया है कि परिधान अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा अफसर? हाँ हाँ बड़ा अफसर। तो आप समझाइए भाई। वाह क्या खूब पहचाना आपने, क्या पहली लिखा है आपकी। भाई आप लोग ने दावा तो बहुत अच्छा, आप लोग हो कैसे खाना नहीं? भोजन हमेशा सीधा साधा ही करते हैं, आखिर देश का भी तो सोचना पड़ता है। ये है सुपर आज की दावा तो आप जैसे मेहमान के स्वागत करो। कभी तंदूरी आइटम देख के ड्रिंक्स का मजा पीता है। वो क्या है ना हुजूर कि जब से वो तंदूर कांड हुआ है ना तब से ये सब गले से नीचे ही नहीं करता है। ऐसे तो अपनी माफी चाहते हैं। इतना गाली भी निकाल रहा होगा तो इंसान अजीब उस कमीने को हैवान के लिए हैवान। ये किसे कहा आपने? जानते हैं कितने मंत्रियों का चिगरी रहा है वो। आप तो बुरा मार दिया हुजूर, हम तो तंदूर लगाने वाले की बात कर रहे थे। तो है बड़ी टाफी। बिल्कुल मामला उभरता ही नहीं, धीरे धीरे समाकर स्वाहा, कम से कम तंदूर की बेइज्जती करा आती। कैसा रहा? बहुत लूज टॉक करते हैं आप। तो दावत वाली जगह है आप ही की दुकान? जी हाँ सरकार, हमारा ही डिपार्टमेंट था, राम भरोसे सिविल हॉस्पिटल। काफी खाली खाली सरकार नहीं? अरे भाई मरीज आते भी हैं या सीधा प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं? क्षमा कीजिए श्रीमान, कभी कभी मूर्ख ख्याति प्राइवेट प्रैक्टिस की चीज पकड़ लेते हैं। क्षमा कीजिए श्रीमान। वो क्या है हुजूर कि आप तो जानते ही हैं कि हमारा अधिकतर समय समाज सेवा में बीत जाता है, ऐसे में नौकरों से दिलचस्प हो जाना जरा स्वाभाविक सी बात है, इन्हें जमाना नहीं आया है। अगर आप चाहे तो कुछ नकदी जमाना जरा। अरे नहीं रानी जी, ऐसे भी मेरा एटीट्यूड किसी को डैमेज करने का नहीं है, लेकिन कोई होशियार बने तो फिर हमें जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। इन सब कामों से तो हमको घृणा है। अगर समाज सेवा के बाद टाइम मिला तो हमारा समय तो ज्यादातर संध्या पूजन हवन तंत्र मंत्र बस इन्हीं सब कामों में बीता है। चपाली मेरे हुजूर बैटरी वाली हड्डी बैटरी वाली।
अपना मुंह में गोइठा डुबा दे। ऐसे जाकर मेरे माफी चाहते हैं, आगे सुना है। कभी कलाकार पाल रखे हैं आप, मैं भी कला और संगीत के क्षेत्र में पलक पैदा हूं। फिल्म जगत में पूरा दबदबा है, अब स्मगलिंग का केस हो, इनकम टैक्स केस हो, अब कुमार से बचकर कहा जाए। हमारी विद्या को भी फिल्म एजेंट बनने का बहुत शौक है, अगर आपकी मेहरबानी हो तो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कौन से कहते अभिनय की इच्छा तो हमारी अर्धांगिनी को भी है। अर्धांगिनी बर्धांगिनी नहीं, कोई बहन भी या साली हो तो बताइए। और रिस्की सवालों में चढ़ने की इजाजत होगी बच्ची, क्या करें? अरे आप तो इमोशनल हो गए, अरे चिंता छोड़िए, दिल्ली पहुंच के खबर करूंगा कि कुमार की कनेक्शन कहां है। देश के बड़े बड़े बुद्धि चिंतक लेख सबसे यार हमारा, आपको स्वयं इतने अच्छे लेखक लगते हैं श्रीमान। लिखता अब इतनी ट्रांसक्रिप्ट पर होने की वजह से खुद के नाम पर तो नहीं लिखता, दूसरे नामों पर मतलब नुसरी पत्रीला शोभा दे या रगतिक भी रॉय। आप भी कहते हैं जनादा नाम से लिखते हैं श्रीमान। लीजिए शोभा दे तो इनको जनादा नाम नजर आता है। अरे जरा पढ़ लिख लिया दीजिए, एकदम सलीका है। महोदय आपकी ऊंचाई की झलक मात्र से चक्कर आने लगे हैं हम लोग। इनम मुझे चापलूसी बिल्कुल पसंद, चापलूसी हो चापलूस भाई मां किस्मत पर चिपक टाइप लोग हो जाएंगे। बिल्कुल मैं तो सीधा आऊंगी बस बंदी। पीएम तक से अनफॉर्मेट लैंग्वेज में अपनी मदद करता है, बेहसी रूप में देखा कुछ लोग आराम करना चाहिए। कमरा तैयार जी, तो आप सोएंगे हमारे मोटे नहीं है, कोई दूसरा नहीं मिला। चलिए गुड़गुड़ाते क्यों आप, इधर हो इधर हो जी, गुड नाइट गुड नाइट, शुभ रात्रि शुभ रात्रि। आइए हमको बिना बताए हमारे अस्पताल से मरीजों को हटवा दिया, अरे कब तो भारी पैर में पड़ जाते। सारा सारा दिन उदासी जब मुझे लगा है, हमको तो लगता है वो सारा आपको हटवा करके आप की जगह पर अपनी जान का आदमी लगाना चाहता है। अच्छा तो यही मैटर है, हम भी अगर सत्य है ना तो आज दिखा देंगे। क्या इसको देखने दिखाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हम तो ये कह रहे हैं कि सर सबसे इन्हीं फाइट ये भी आपका ही था, प्लीज पूरा बताइएगा। क्या मानने वाली है बात, वैसे भी ऐसे तो क्योंकि आप इसकी छोटी मोटी बात को तो ओवरलुक करना चाहिए। सत्ता बनती ये तो आप दोनों के मन का जोर बोल रहे हैं, यही आप हमारे व्यर्थ की बकवास में समय बेकार फेंक रहे हैं। की परियोजना पर ध्यान दें, अधिकारी अत्यधिक चतुर है और इससे बचने का उपाय खोजना अति आवश्यक। हमारे विचार हो तो
कर लेनी चाहिए जिसमें एक कमेटी और दो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है और उसके बाद एक शानदार सेमिनार आयोजित करनी चाहिए। कलकत्ता का संगठन कैसा रहेगा? मूर्खों जैसी बात मत कीजिए आप। इस समस्या की बात का पहले की समस्या थोड़े है, इस समस्या नंगी तलवार की तरह सबसे लटक रही है। ये बात जल्दी से बोलो भाई, सोच कर अमल करना होगा। अरे आप यहाँ आ गए क्या गुरु जी? अरे ऑफिशियल काम है कि नाक घुसाने चले आते। हमें तो शौक नहीं है अपने नाक घुसाने का। हाँ जा चलिए मत। हाँ हमारा क्या रहा पंडित चोटा प्रसाद जी, इन बेचारों को बता दिया जाए। हम भी ना एकदम यही सोच रहे हैं। क्या ड्रामा बता रहे हो तुम? सुनिए आप लोग अभी तक यहाँ पे पाए खोज रहे हैं, वहाँ ये सब चढ़ावा भी चढ़ा चुके हैं। पूरे 20,000 रुपए जब होटल में गए थे तभी एकदम करारे नोट ताजे बिस्कुट के जैसे। क्या कभी कहें ये अफसर कैसे मेयर के घर में कैसे घुस गया? हमें आभास तक नहीं होने दिया। ये तो सरासर गुप्तारी है। अब जब बाबू से और उम्मीद भी क्या कर सकते थे? अब हमें एक काम करना चाहिए, सब लोग हम आराम से चलते हैं, उनको वो किसी टाइम पर और एक बार उनको कम से कम एक एक दिन के लिए अपने घर पर बैठने का कहना चाहिए। अरे ये काम बहुत रिस्की है। ये सब करेंगे ना तो डॉक्टर है ना आपके माथे पे बॉडो रंग टीका काट देगा। सब अक्सर हर किसी रिजल्ट नहीं रहते, एक आध खड़ी असामी पकड़े रहते हैं और बाकी दुनिया के सामने ईमानदारी के ढिंढोरा पीटते हैं। ससुरा हर काम में तेरे टेढ़ा है, अच्छा फिर कहेगा हमारे ख्याल से हम सबको मिलकर एक ही करके अंदर जाना चाहिए और जिससे जो बन पड़े वो कहे। हमारे हिसाब से संता बाबू की शुरुआत करें तो ठीक रहेगा। आप चाहिए सुनील जगन साहब हकीम आपके यहाँ दावत खा चुके। हाँ बिल्कुल उससे जल्दी खुलेंगे। नहीं नहीं अभी तो कॉम्पिटिशन रहता है ना भाई, हम कैसे कर सकते हैं? हमारा हिसाब से स्कूल इंस्पेक्टर साहब शुरुआत करते हैं। हम कैसे जा सकते हैं? आपको तो पता ही है कुछ दिनों से मैं डायरिया से पीड़ित हूँ। फिर तो रहने दीजिए, सब चौपड़ हो जाएगा। अब वैसे संता बाबू सबसे सीनियर है, आप ही सबसे टूट जाते हैं। जी 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 और आपको आपको हमारी तरफ कोई भूख बीमारी भी नहीं है। जरा शांत रहिए, मैं कुछ सोचने दीजिए। गोबर सिंह हमारी चाय लेके ड्राइंग रूम में आना। जी सरकार। छोटी सी भेंट है
किसी से टोकन उपाय रिस्पेक्ट सर। देखिए एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए और मैं किसी से लेता भी हूँ। अब भाई आप इतनी रिस्पेक्ट से दे रहे हैं तो चलिए, पता नहीं क्यों आपको कुछ अलग ही किस्म का लगा हो गया। समझ नहीं आप बदले में आपको चलो मैं कीजिए अभी कोई हमारे लाइफ कम हो तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया। अरे ये तो नोट है। थैंक
अरे नहीं हुजूर, ये तो दवाई है, पीएस फिजिशियन सैंपल आपके लिए है हुजूर। अब आके दीजिए। दिल्ली में मिले तो नहीं कर पाते हो नहीं आप सर को। थैंक यू सर। शाम क्या सागर जैसी अपना
क्या दुखे है तुम्हारे धर्म ये फोटो ये हमारी बेटी है, नाम है बेबी। अभी अपनी माताजी के साथ ननिहाल गई है। काफी संस्कारी लगती है। संस्कारी? जी हाँ अंकल, बहुत संस्कारी है। अच्छा तो शादी वादी का विचार किया या नहीं? जो अभी तक कोई खानदानी दल का नजर में नहीं आया। नहीं आया या आप देखना नहीं चाहते? कुछ समझे नहीं। देखिए हमें आपकी बेटी काफी पसंद आई है, अगर आप बुरा ना माने तो। कहाँ राजा भोज और कहाँ बंगलू बेली। हमें दामाद बनने का पति है आपको, नहीं साफ साफ बताइए। नहीं हुजूर, ये तो हमारा परम सौभाग्य होगा। आप जस्ट मजाक कर रहे हैं हुजूर। आप सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं, जो करना चाहता हूँ आपको। सॉरी सर, वो क्या है कि अकेले काम नहीं कर रहा है। टर वक्त मत लगाइए, बस आशीर्वाद दीजिए आप। अफसर जी के बहाने ऐसा लगता है दिल्ली लौट रही है हमारे कदमों पर। ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ले भगवान। ओवर सिंह, जरा हमारा सम्मान ले। अरे ये क्या सामान? सॉरी सर, कहाँ जाने की तैयारी? अरे जरा जहन्नम वाला का इंस्पेक्शन कर ले जाना, बस मंडे तक लौटा। ओ हमारी गाड़ी ले जाइए। भूल गए, क्या बोला? केस बदल। जी जी, तो सोमवार की सगाई की डेट फिक्स करवा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस पलक जमा पे आके गुजारिश की आप जा रहे हैं तो कुछ राह खर्च के लिए। अरे अरे इसकी क्या जरूरत थी, चलिए जैसा आप ठीक समझे। आप मेरी थोड़ा ना चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपकी नान को नहीं चलेगी, अब आपसे तो हमारा रिश्ता हो गया है। ये मुझे 20,000 एकदम चकाचक प्रेसरी का है ना। बस सोच 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 जुबान से स्लिप हो गया। डोंट वरी, आप यू समझिए मैं कुछ सुनाई भाई दामाद जी हो तो इनके जैसे। चलता डार्लिंग, अभी से तुम्हारी याद सता। वो हमारी दिल्ली का दुकान मिलेगा नहीं। चलता हूँ। जहाँ वाले अपना ख्याल रखिएगा, अरे जल्दी आइएगा। मालिक क्या गजब की चीज है, हिम्मत पर पड़ता मालिक। तो हम पहले ही भूल गए थे अफसर जी को वीडियो की फोटो भी सर उनको भी करके पहली बार कई बार देखा है, लेकिन एक बार तो पहली कर देते हैं। हम क्यों रिक्शा दिल्ली रहेंगे? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ऊपर से साला हमको तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा यार। होगा भी कैसे, इन झुटमुट लोगों के साथ ना उठ बैठ के आपका तो संस्कार ही बिगड़ गया। चट से बिन मार के बिछा लेते। अच्छा गोबर सिंह, दामाद जी रंग रूप में ये भी सही अदब है, उम्र भी कुछ ज्यादा लगती है नहीं? ओ भले ये कि मोह में ना आपकी आंखों में तो पड़ता ही नहीं है। अब बोला इससे अच्छा तो मत और काम मिलेगा आपको। अच्छा वो तो ठीक है ठीक है, तुम एक काम करो, चिलमची मियाँ और पंडित दुल्ला प्रसाद को फोन करो, उनको बोलो कि शहर भर में ढिंढोरा भिजवा दें कि अफसर जी का रिश्ता मेयर साहब की बेटी के साथ तय हो गया। मालिक आपकी इजाजत है तो ये भी अनाउंस करवा दो कि अफसर जी की वजह से हमारे मेयर साहब का भी अब पीएम तक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, उनका भी खूब हंसी मजाक चलेगा, वो भी पूरे अनुपालिया में लग देते हैं। वाह गोबर सिंह, हमारे साथ रहते रहते तुम भी बहुत समझदार हो गए। ये तो बस आप जैसे वही बात, मेरा मतलब है ईमानदार सुनते हैं सर। अच्छा जाओ जल्दी फोन जल्दी फोन करके। या नहीं, राजदूत देखो बहुत ऊंचा पोस्ट होता है समझे।
पूछ के हम क्या ठीक है सर? हाँ अभी ठीक समझे। सोचो गोबर सिंह सोचो, अगर कहीं राजदूत बन गए तो काम मौज रहेगा। फिर उससे अमेरिका, फिर उससे जापान, कभी चीन, कभी इंग्लैंड है, उसके पुतिनवा के साथ में ब्रेकफास्ट और शाम को ट्रंपवा के साथ में डिनर और फिर लगातार विदेशी अकाउंट का सिग्नेचर। सारे मेयर देव तो चकासी लगेंगे मेरे आगे। और नहीं तो क्या हुजूर, एक बार राजदूत बन गए तो चकट चाली करके पीएम बनने में कितना देर लगेगा हमको? सोचो गोबर सिंह सोचो, अगर एक बार लग ने साथ दे दिया तो आज सीन सजेगा। हम गजेंद्र बाबू यूं सोफा पर आराम से बैठे और उस साला इमरान का इधर चाह बना रहा है और हिना रब्बानी हमको पंखा चल रही है। बस यही सब कुछ हमको लज्जा देता है गोबर। हम भी अपना नाम बदल लेंगे। मेरा मतलब है कि आपकी इतना स्टाइल बदली और एक जोकर लोगों से पीछा चलाएगी। जोकर? कौन जोकर है? किसकी बात कर रहा है? अरे मालिक, ये बेवड़ा मैजिस्ट्रेट, ये हकलू टीचर, ये लंगड़ू पोस्ट मास्टर, इन्हीं सब लोगों से है। पगला आगे होगा, ये सब बहुत वफादार आदमी है। तो सटे रहिए, हमको क्या? वफादार भी चाहिए तो फिर हमारे कड़ीपा भाई को रख लीजिए। नहीं नहीं, उस साले का चाल चलन ठीक नहीं है। अरे वाह, ये हमने कभी क्या सुना, ये तो अद्भुत समाचार है। बिटिया की शादी की बधाई हो मेरे साथ। धन्यवाद, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, हमारी भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। संता बाबू आप का नहीं सीरियस नजर आ रहे का बीमार होता है तो मतलब हुआ मेरा चीची देखने का अपना हाथ साफ कर हमारे घर बैठे लिखा। अरे गुस्सा छूट दीजिए संगड़ा बाबू, हम तो हमें काम करेंगे। दामाद जी को बोल दिया आपकी बेटी मिल गई थी, ऐसा ये रिश्ता तय करते हैं। अरे प्रॉमिस रहा, पक्का प्रॉमिस। तो भाई हमारे धन्यवाद, धन्यवाद। पहला कार्यक्रम वो मुन्नी भाई
और मुछिंद्रा का हो चुका है। साल से दो दो महीना दरवा लिया ना, तब कहिएगा। हम लोग तो आपने बुनकर के बारे में पूछ रहे थे, ये जब सिलन थे। महोदय, बाबर महोदय, आपसे बुनकर का निवेदन है कि हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार हेतु हमें भी विदेश घुमा लीजिएगा। अरे काहे चिंता कर रहे हैं आप लोग भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बारे में कोई कमेंट नहीं है। आगे बढ़िए।
सुंदर सी शकल का है हकलाता है, ऊपर से कल प्रेमी ये कि कोरी शिक्षी कारण में बनती है। साला दुष्ट कहीं का, हमने ये सब कब कहा था? आगे एक और नमूने से मिलिए, यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम से मेरे हिसाब से जो साला मेरी समझ में आ गया, अगर पढ़ने तो उचित है। एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा, हम पढ़ देते हैं। हाँ, तब तो यहाँ का मजिस्ट्रेट नाम है संकटा प्रसाद, पक्का घूसखोर। पता नहीं क्यों बदन से पेशाब की बू आती है और आंखें ऐसे चढ़ी रहती है जैसे दिन रात शराब में गड़गड़ गोते लगाता हो। और इन सब नमूनों ने हजारों रुपए भी दिए और वो खातिर की कि मत पूछो, सोचता हूँ आज किसी बहाने से सरक जाऊं, भेद खुल गया तो शमत आ जाएगी तुम्हारा प्यारा बोस। मियां हम बेदाग बटले, आदमी इतना बुरा नहीं था क्या? चिट्ठी तुमको बोर्ड भाषा में नजर आता है, लोटा का ढक्कन। भाई मेरे साहब, देख हमें कोई अफसोस नहीं है, तू शैतान से बिटिया का रिश्ता कर दिया तो वो अच्छा हुआ। हजारों लड़कों की लाइन लगी होगी यार, एक बार आप अम्बेडकर बने नहीं कि डेट लिए जब ये कमाल था। संगड़ा बाबू, इसको हटाइए यहाँ से, साला माथा का नस पड़ जाएगा। नहीं ये बात हमारे समझ में नहीं पड़ रही। अरे क्या रे क्या रे, अरे आप लोग यहाँ पर पत्थर की तरह खड़े रहिएगा, जाकर थरिया साले को। अब तो व्यर्थ का परिसर होगा मेरे साहब। अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हें हजारों रुपए बात से जाते हैं, मतलब यहाँ पहुंचे हैं, सोचते सोचते मतलब ये है कि आप
किया है। सर्किट हाउस में ना दिल्ली से जांच का बहुत बड़ा अधिकारी आया है, काफी बड़ा अधिकारी है और पूरा कुजुम के साथ डंडा बेड़ी हथकड़ी रस्सा और बता रहे थे कि कोई पट्टे मारे मशीन भी ना सुना है कि बंद होते होते 15-20 मिनट में मार देती है। कभी आएगा हम तो बढ़ते कभी आएगा।